टाउन हॉल हमीरपुर में चल रही 48वीं जिला स्तरीय 3 दिवसीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता का समापन हो गया। इस समापन समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंतिम दिन विभिन्न वर्गों के रोमांचक मुकाबले हुए। प्रतियोगिता में अंडर 15 वर्ग में आर्यन डोगरा विजेता, उप विजेता शिवांश उप विजेता रहे। इसी प्रकार अंडर 17 वर्ग में साहिल विजेता, आयुष उप विजेता, अंडर 19 वर्ग में मोहित विजेता, ऋतिक उप विजेता रहे। प्रतियोगिता के अंडर 15 डबल वर्ग में आर्यन को साहिल विजेता, अंशुल तथा सौरभ उप विजेता रहे। अंडर 17 वर्ग के डबल मुकाबले में अर्षित राजीव विजेता, रोहित व अक्षित उप विजेता, अंडर 19 वर्ग में राजकुमार ऋतिक विजेता, दिवांश तथा आयुष उप विजेता रहे। इसके अतिरिक्त लड़कियों की अंडर 13 एकल वर्ग में सन्नी विजेता तथा सानिया कटोच उपविजेता रही। मुख्य अतिथि ने इस प्रतियोगिता के विभिन्न वर्गों में विजेता तथा उपविजेता रहे लड़के व लड़कियों को बधाई दी तथा उन्हें स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बैडमिंटन संघ के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार सोनी, जिला भाजपा अध्यक्ष अनिल ठाकुर, मंडला अध्यक्ष बलदेव शर्मा, प्यारेलाल शर्मा, पूर्व केसीसी बैंक अध्यक्ष रसील सिंह मनकोटिया, महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष बीना शर्मा, नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी के अतिरिक्त बैडमिंटन संघ के पदाधिकारी धर्मेंद्र शर्मा, वेद प्रकाश शर्मा, राकेश हांडा, संदीप भारद्वाज, प्रदीप ठाकुर व सतीश शर्मा आदि उपस्थित रहे। ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि सारे हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश में ही खेलों का माहौल बना हुआ है। प्रदेश सरकार भी कह रही है कि बहुत जल्दी वो खेल नीति लाएगी जिससे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। और जहां हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में एक तरफ खेल महाकुंभ हो रहा है, सांसद स्टार खेल महाकुंभ, वहीं अभी कांगड़ा में भारतीय खेल विकास परिषद की ओर से कबड्डी का नेशनल मैच कराए गए और वहां पे चैंपियनशिप का फैसला भी हुआ जिसमें हिमाचल जीता। आज हमीरपुर में बैडमिंटन टूर्नामेंट का समापन हो रहा है। सबसे पहले तो मैं हमीरपुर बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष और इनकी सारी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस शानदार आयोजन के लिए। और सचमुच में ही हमारे खिलाड़ियों में बहुत प्रतिभा है, इनके लिए ये आवश्यक है कि एक इंडोर स्टेडियम हो। हम भी सरकार को कहेंगे कि शीघ्र इंडोर स्टेडियम का प्रावधान किया जाए ताकि इन खिलाड़ियों की प्रतिभा और निखर सके, क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर नशे की दुनिया से नशेड़ होने से बचाने के लिए युवाओं को खेल के मैदान में लाएंगे, वहां वो पसीना बहाएंगे तो देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, देश के सेना के अधिकारी बनेंगे, पुलिस के अधिकारी बनेंगे और इसके अतिरिक्त अन्य सेवाओं में भी देश की सेवा कर सकेंगे। सर प्रदेश इसलिए इसके लिए जो भी सहायता होगी हम अपनी तरफ से इनका समर्थन करेंगे और चाहेंगे कि हमीरपुर में जल्दी से जल्दी एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण हो ताकि इन खिलाड़ियों की जो प्रतिभा है वो विकसित हो और हमारी युवा पीढ़ी जो नशे के मकड़ जाल में फंसती जा रही है वो उससे बचे। हमने कल ही डिसाइड किया कि हमने मुख्य मंत्री हमें का पता दिया, मैंने सुनिश्चित कि हम अवेलेबल हैं, कहीं अवेलेबल नहीं होते थे तो कि हम आप यहाँ आए और बच्चों का आशीर्वाद है। हमारी छोटी सी गुजारिश में इन्होंने एकदम ही स्वीकार कर लिया, हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। संघ की तरफ से एक बार का फिर धन्यवाद करते हैं। मैं जो जिन खिलाड़ियों ने यहाँ पे भाग लिया है उनका धन्यवाद करता हूँ और उनके पेरेंट्स का भी। बच्चों ने पूरे 3 दिन पूरे अनुशासन से ये गेम खेली है। दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमने परसों इस गेम का शुभारंभ हुआ था हमीरपुर जिला के विभिन्न क्षेत्रों से, नगाम, ढेड़ी, जाऊ, बरसा, हमीरपुर, सभी जगह से, सुजानपुर से बच्चों ने लगभग 150 बच्चों ने इसमें भाग लिया।